मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है। गुंडों माफियों रेत माफिया शराब माफिया स्मैक माफियाओं का पूरे राज्य में राज बन चुका है। लगातार उनके रहते और इसका मूल कारण है कि मध्य प्रदेश के थाने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को सौंप दिए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने। कोई भी थाने में जाओ बिना भारतीय जनता पार्टी के नेता की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उनका एक ही काम है विपक्षी और निर्दोष लोगों को झूठे केसों में फंसा कर बंद करना। अभी अभी ये घटना है 18 फरवरी की रात की ग्राम बड़ोखरी में अनुसूचित जात की साक समाज की बच्ची को रात को घर से बुलाया गया बहाने से और उसको ले जाके लोगों ने गुंडों ने पूरी तरह से गैंग रेप किया। कई लोगों ने गैंग रेप किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी गैंग रेप की खबर आई है और फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई सफोकेशन से। गांव के बाहर एक कूप था भूसा का उसके मुंह में और प्राइवेट पार्ट में भी भूसा मिला है। ब्लीडिंग बहुत जोर से हुई है उसके साथ मारपीट हुई है कई जगह घाव है। आज करीब 6-7 दिन हो रहे हैं अभी तक अनेक हम लोगों को कहने के बावजूद उसका पीड़ित परिवार तड़प रहा है। उसके बाद माँ बाप उस दिन घर के नहीं थे मजदूरी करने मेहमानों में शादी में पूरी बेलने का काम के लिए गए थे। बड़ा भाई है बच्ची का वो जाके गुजरात में अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता है। छोटा भाई था केवल घर में तो रात को 10 बजे के बाद किसी ने मोबाइल करके बुलाया बाहर और उसको ले जाके उसकी हत्या कर। अनुसूचित जात के मामले में तमाम नहर में लगातार 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं उन पर हमले हो रहे हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग उनसे वसूली कर रहे हैं। हफ्ता वसूली करते हुए पकड़ा गया था एक कार्यकर्ता बस्ती के लोगों ने पकड़ के उसको गिरफ्तार कराया था। मैं दिया बंदूक के और अनुसूचित जात के ग्राम छिरी के जो तमाम लोग हैं इनका झगड़ा हुआ क्रॉस के से दोनों पार्टी 307 अनुसूचित जात के लोगों को करीब थाने में बंद कर 3-4 महीने से जेल में है। एक दो लोग बाहर थे उन पर इनाम घोषित कर दिए गए जबकि अन्य जो लोग हैं जिनसे झगड़ा हुआ था सामान्य वर्ग के उनकी न तो अभी तक गिरफ्तारी हुई। खुलेआम गांव में रह रहे हैं खेती कर रहे हैं। कई बार कहने के बाद भी अभी तक पुलिस ने उन पर जबकि आश्वासन दिया था एसपी ने कहा उनकी 307 का बराबर का केस है लेकिन दोनों के साथ दुर्भाव के साथ उन पर तनाव घोषित कर दिया। दो लोगों पर 6 लोग जेल में बंद है 4 महीने से और जिस 6 मुद्दे में पूरे घर पर रह रहे हैं। ये केवल इसलिए घटनाएं बढ़ गई हैं जिस तो गंभीर मामला है अभी तक न एसपी या कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। गैंग रेप हुआ है बच्ची के साथ और उसके रिकॉर्ड में फोटो देखने पर फोटो दिखाई नहीं देते
देखने लायक नहीं है इस तरह से उसके साथ व्यवचार हुआ है। और अभी आज 8 दिन के बाद 7 दिन तो हो ही गए, 18 ही घटना है, 24 है आज, अभी तक कोई पकड़ा नहीं है। पुलिस बुला रही है, पूरे गांव के लोगों को बुलाती है, पूछताछ करती है और कुछ लोगों से वसूली करके छोड़ा गया है। आज हम गांव में गए थे सुबह, तब गांव के कुछ लोगों ने बताया कि साहब सबसे तो नहीं, कि कुछ लोगों से कहा कि तुम इसमें शामिल हो सकते हो, तुमसे पैसा लेके वसूली करके छोड़ दिया।